औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौज़े सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में पेशाब करने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में पेशाब करना रंजो गम दूर होने, सख्तियों से निजात पाने, औलाद को राहत मिलने और मालो खर्च करने की अलामत है। ख्वाब में मर्द को पेशाब करते हुए देखना माल खर्च करने की अलामत है। ख्वाब में बच्चों को पेशाब करते हुए देखना माल दौलत मिलने या औलाद मिलने की अलामत है। ख्वाब में बाथरूम में पेशाब करते हुए देखना, अगर साहबे ख्वाब बीमार है तो शफा पाएंगे और अगर कर्ज़दार है तो कर्ज अदा होने की अलामत है। ख्वाब में खून का पेशाब करते हुए देखना पेट का लड़का मरने या रोज़गार में ज़बरदस्त खलल पैदा होने की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब में पेशाब के रास्ते से दूध निकलते हुए देखना फितरत के ख़िलाफ़ अमल करने की अलामत है। ख्वाब में पेशाब वाले रास्ते से आग निकलते हुए देखना कुव्वत वाले बेटे की अलामत है। ख्वाब में औरतों को पेशाब करते हुए देखना ज़्यादा मोहब्बत होने की अलामत है। ख्वाब में कब्रों पर पेशाब करना बुरे लोगों में शुमार होने की अलामत है। ख्वाब में कपड़ों के ऊपर पेशाब करना बेटा नेक होने की अलामत है, लेकिन जना और बेहयाई कसरत से करेगा। ऐसे ख्वाब देखने वाले शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब में किसी के ऊपर पेशाब करना दलील है कि वो अपना माल खर्च करके इसको रुसवा करेगा। ख्वाब में कुएं में पेशाब करना दलील है इस बात की कि वो माल खर्च करेगा। ख्वाब में खड़े होकर पेशाब करना फजूल कामों पर माल खर्च करने की अलामत है। ख्वाब में नहर में पेशाब करना हराम काम करेगा, नौकर या औरत की वजह से मुसीबत में फंस जाएगा, बदनाम होगा। मौज़े सामीनो कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसे सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आप तमाम मुसीबतों का हल फरमाएं। आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।